क्राइम रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुल निर्माण में कार्यरत ऑपरेटर का हत्यारा गिरफ्तार। स्थानीय थाना क्षेत्र के मजिया गांव सोंद नदी पुल निर्माण में कार्यरत ऑपरेटर अर्षद मंडल की बीते सोमवार को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद घटनास्थल का जायजा लेने पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने हत्यारे को जल्द ही गिरफ्तार कर लेने की बात कही थी। वहीं मंगलवार की शाम को हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जुबेर अली पुत्र शान अली बजर मरवा जिला गढ़वा झारखंड की शादी 24 जून को माझी गांव में हुई थी, जिस पर आरोपी की पत्नी से मृतक ऑपरेटर का तालुकात रहने के शक पर आरोपी ने सोमवार को अपने घर से हत्या की प्लान बनाकर चला हुआ निर्माणधीन पुल पर पहुँच कर मृतक ऑपरेटर अर्षद मंडल को मिलते हुए जरूरी काम का हवाला देते हुए एकांत में चलकर बात करने की बात कहते हुए मोटरसाइकिल से उनकी तरफ चल दिया। कोल्हू अनार बंदी के समीप पहुंचकर सड़क के कुछ दूर ले गया और बातचीत के दौरान साथ लिए चाकू से मृतक के गुप्तांग पर कई वार कर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक ऑपरेटर को घायल अवस्था में कौन अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते मृत बताया था, लेकिन मृतक ऑपरेटर ने मरने से पहले अपने बयान में अपना नाम अर्षद मंडल व आरोपी के ससुराल मांझी गावा में होने की बात कही थी, जिस निशानदेही पर कोन थाना निरीक्षक राजेश सिंह ने आरोपी की पकड़ के लिए एक टीम शिव प्रताप वर्मा गिरधारी सिंह अभिषेक अशोक कुमार तेरसु यादव इंद्र सरोज का गठन किया और आरोपी की तलाश जारी की, जिस पर मंगलवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोप झारखंड बॉर्डर से सटे ग्राम पंचायत नक्तरवार में दिखाई दिया। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना को मानते हुए नक्तरवार पुलिस के पास से मंगलवार शाम 5 बजे आरोपी को घेराबंदी कर हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। क्या अपडेट? ये एक अर्षद मंडल नाम का 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल रहने वाला ये पाइल ऑपरेटर का काम कर रहा था, जो कोन में चाची कला में एक ब्रिज बन रहा है सोन नदी के ऊपर, तो इसमें उसकी निर्मम हत्या की गई थी। FIR दर्ज करके इसकी जब जांच पड़ताल हुई तो पता चचला कि एक जुबेर अली नाम का जो गढ़वा झारखंड का रहने वाला व्यक्ति है, इसको ऐसा शक था कि इसकी पत्नी के साथ अर्षद के संबंध है, ऐसा इसको शक था। तो इस आधार पर ये बात करने के लिए वहाँ से इसको आया और इनमें खेत में जाकर काफ़ी देर तक बातचीत हुई और उसके बाद वहीं पर इस तरीके से चाकू से इसके प्राइवेट पार्ट्स पर इसने हमला किया और वहाँ से फरार हुआ। FIR दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी की गई है और इसको आज न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।